हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बैक साइड ओडी टर्निंग G71 साइकिल के साथ अगर करना चाहते हैं, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल ओडी टर्निंग स्ट्रेटजी के साथ करना चाहते हैं, तो वो प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। एक स्टेप ओडी है, दो स्टेप ओडी है, इस तरह से हम एग्जांपल के साथ ये पूरा जो वीडियो है वो डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेटजी भी है, एक चार्ट पूरा हमने मेंशन किया हुआ है कि हम किस तरह से ये जो उसका फाइनल कंटूर होता है वो स्टार्ट ब्लॉक नंबर और एंड ब्लॉक नंबर के बीच में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एक 50 mm का डायमीटर है, ये कंपोनेंट की टोटल लेंथ है वो 50 mm, तो उसमें हम एक सेगमेंट मशीनिंग करना चाहते हैं जिसका डायमीटर है 40 mm का और वो 20 mm की लेंथ में। तो ये प्रोग्राम अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो टूल का जो हेडर रहता है वो हमने मेंशन कर दिया है, उसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे G71 साइकिल के लिए। तो टूल का पार्किंग हमने किया है G0X52.0Z30.0, राइट। तो अगर ऑफसेट का कुछ वेरिफिकेशन करना है तो ए ब्लॉक हमारे लिए बेटर रहेगा। फिर हमने टूल को जाने दिया G0Z-52.0, फिर वहां से एक्स में हमने लाया G0X50.0, क्योंकि हमारा 50 mm का तो आउटर डायमीटर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ 50 में फर्स्ट ही डेप्थ ऑफ कट के साथ मशीनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए 50.0 मेंशन किया, वरना जो फर्स्ट कट है वो हवा में चल सकती है, तो वो नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कुछ क्लोज मशीनिंग करेंगे। नाउ G0Z-52, क्योंकि ये 50 mm की लेंथ है तो 2 mm सेफ्टी अलाउंस के लिए टूल का इंसर्ट है वो बाहर रहेगा, यहाँ से कुछ इस तरह से डेप्थ ऑफ कट ले लेकर मशीनिंग करेगा। तो ये दो लाइन जो हम G71 साइकिल के ऊपर जो मेंशन करेंगे तो ये एज ए स्टॉक डिफाइन होता है कि एक्स में कहां से स्टार्ट करना है और जेड में कहां से स्टार्ट करना है। नाउ फर्स्ट लाइन आ जाती है G71 की, यू यानी कि डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा कि हम एक्स में कितने डेप्थ ऑफ कट के साथ मशीनिंग करना चाहते हैं, R1.0 यानी रिट्रेक्शन क्या रखना चाहते हैं। सेकेंड लाइन G71 की है P22, तो ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर। Q23 यानी ये हो जाएगा हमारा एंड ब्लॉक नंबर। तो ये जो मशीनिंग करना चाहते हैं वो किस जियोमेट्री पर या किस शेप के बीच में करना चाहते हैं, तो ये P और Q अल्फाबेट है वो डिफाइन करता है, राइट, क्योंकि उसके बीच में ही हम फाइनल कंटूर लिखेंगे, तो उस पर हमें पूरा रफिंग का कार्यक्रम करना है। ये हो जाएगा U0.3 यानी कि फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स, हर एक जो डायमीटर होगा उसमें एक्स में कितना मटेरियल फिनिश के लिए छोड़ना है। फिर हो जाता है W-0.1, तो फेस में हमें कितना स्टॉक छोड़ना है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की, जो वैल्यू होगी वो माइनस आएगी क्योंकि हमें लेफ्ट साइड की ओर स्टॉक छोड़ना है। अगर इस फेस में हमें स्टॉक छोड़ना है, अगर हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर ये 100 μ एक्स्ट्रा कट कर देगा, तो वो ना करे, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस मेंशन करना पड़ेगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने जो यहाँ पर डिस्कशन किया था कि कंपोनेंट का डायमीटर है 50 का है, उसमें से 40 का करना है 20 mm की लेंथ में। तो ये जो कंटूर है वो डिफाइन करने की जो पैटर्न है वो हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मेंशन करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ये बैक साइड ओडी के लिए। हमने आगे भी वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ओडी टर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटेजी आएगी राइट टू लेफ्ट, आईडी टर्निंग के लिए आएगी राइट टू लेफ्ट, बैक साइड आईडी के लिए आएगी लेफ्ट टू राइट, उसी तरह से बैक साइड ओडी टर्निंग के लिए भी आएगी लेफ्ट टू राइट। तो ये जो चीजें है वो इस डायग्राम को हम देखकर याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और इसे हम कहेंगे फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो कि हमारा एंड पॉइंट। तो हम सिंपली ये अगर सेगमेंट को मशीनिंग करना चाहते हैं तो 3 कोऑर्डिनेट की मदद से हमारा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली हम मेंशन कर देते हैं एक्स 40.0, जैसे कि हमने डिस्कशन किया, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि ये डायमीटर है वो कितनी लेंथ में है, तो टोटल लेंथ है 50, उसमें से ये 20 mm अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आता है Z-30.0, G01 Z-30.0। नाउ यहां पर हम ब्लॉक एंड कर देते हैं क्योंकि इससे आगे कुछ पैटर्न का मशीनिंग करना नहीं, तो ये डायमीटर 50 तक जा रहा है, तो यहां पर G01 X 50.0। फिर हमने रिट्रैक्शन दे दिया
जेड में दे दिया और होम पोजिशन। तो इसका सिमुलेशन देखते हैं कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो किस तरह से वर्क करेगा। तो वो कुछ इस तरह से हमारा जो कंपोनेंट है उसका बैक साइड ओडी टर्निंग जनरेट कर देगा। अगर हम इसका डायमेंशन देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं कि ये जो डायमीटर है वो 40.3 का है, 300 माइक्रोन का अलाउंस। उसी तरह से ये जो फेस की लेंथ आ रही है वो 30.1 आ रही है, क्योंकि हमने 100 माइक्रोन का स्टॉक फेस पर छोड़ा। नाउ इसी बैक साइड ओडी टर्निंग के लिए सपोज स्टेप ओडी के साथ हमें आगे बढ़ना है तो किस तरह से प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि यहाँ लेफ्ट टू राइट पैटर्न में हमें ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ मेंशन करते जाना। तो ये फर्स्ट पॉइंट आएगा एक्स का, ये 30 mm, फिर जेड आएगा तो टोटल लेंथ है 50 mm, उसमें से 10 mm हो सबट्रैक होगा तो ये हो जाएगा जेड माइनस 40। सेकेंड ओडी है वो 40 mm का है तो एक्स 40, यहां पर जेड का कोऑर्डिनेट आएगा जेड माइनस 30, फिर एक्स 50। बस यही पैटर्न हमें यहाँ पर मेंशन करने। जैसे कि फर्स्ट ओडी है वो 30 mm का है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है जेड माइनस 40.0, फिर जो डायमीटर जनरेट होगा वो कितने का है एक्स 40.0, फिर उसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी जेड माइनस 30.0 क्योंकि वो भी 10 mm की लेंथ में है, और नेक्स्ट जो कंटूर जहां पर खत्म होगा N23 हमने मेंशन कर दिया और एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 50 mm मेंशन कर दिया, ये रिट्रैक्शन। तो अब इसका सिमुलेशन देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो किस तरह से चलेगा, जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ये मशीनिंग होगा कि नहीं। तो कुछ इस तरह से मल्टीपल स्टेप अगर हमारे पास है और बैक साइड ओडी टर्निंग के साथ हम करना चाहते हैं तो इजीली ये प्रोग्राम हम बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम मैनुअल प्रोग्राम की मदद से ये काम है वो खत्म करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसमें हमसे हो जाए, तो वो ना हो इसीलिए हम ये साइकिल का यूज भी कर सकते हैं। तो ये 300 माइक्रोन का स्टॉक दोनों डायमीटर पर, ये लेंथ आ रही है 30.1, यहाँ पर 100 माइक्रोन का स्टॉक, ये 40.1, इस फेस पे भी 100 माइक्रोन का स्टॉक। तो ये हो गया बैक साइड ओडी टर्निंग का प्रोग्राम कि हम किस तरह से इजीली G71 साइकिल की मदद से बैक साइड ओडी टर्निंग भी कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।